हेलो एवरीवन, ट्रेडर्स जौहर एकेडमी में आप सब लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्मॉल कैप शेयर्स के बारे में, ट्रेडिंग के साथ साथ किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड इन्वेस्टमेंट के साथ साथ किस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी स्मॉल कैप शेयर्स में विदाउट रिस्क। ठीक है, तो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने वेल्थ को क्रिएशन करना, एंड जो लोग फुल टाइम ट्रेडर है उन लोगों के लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और बिजनेसमैन के लिए तो ज़रूरी है ही है। तो ए टू जेड हर कैटेगरी के लोगों के लिए स्मॉल कैप शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले स्मॉल कैप शेयर्स क्या है, ठीक है, और उसके बाद व्हाई इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल कैप शेयर्स, हमको स्मॉल कैप शेयर्स में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो को किस तरह से हम डाइवर्ट कर पाएंगे स्मॉल कैप शेयर्स के जरिए, एंड कौन सी वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर नज़र रखना चाहिए स्मॉल कैप शेयर्स के इन्वेस्टमेंट करने से पहले, एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी के बारे में जानना। हम किस तरह से जान पाएंगे कौन से शेयर्स को स्मॉल कैप शेयर्स कहते हैं, कौन से को स्मॉल कैप शेयर्स नहीं कहते हैं, एंड मैनेजमेंट को हम किस तरह से देखना चाहिए स्मॉल कैप शेयर्स के, एंड कुछ स्मॉल कैप शेयर्स जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, हमें बने रहे, एंड वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, एंड कमेंट करके बताना आपको क्या सीखने को मिला इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्मॉल कैप शेयर्स, एक्चुअली जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं ना, वो लोग तो डेली ट्रेडर्स होते हैं। तो आपको एक वेल्थ क्रिएशन करने के लिए 5 साल में अगर अपने पैसे को 20 गुना 30 गुना करना है तो लार्ज कैप शेयर्स में आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए स्मॉल कैप शेयर्स जिसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, बहुत सारे लोगों को डाउट है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानते हैं व्हाई इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल कैप शेयर्स, क्यों हमको स्मॉल कैप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे तो हमारे पास लार्ज कैप है, बड़े बड़े नाम है, टाटा, बिरला, रिलायंस, अदानी, तो इसमें इन्वेस्टमेंट ना करके क्यों हम स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करें। देखिए भाई, लार्ज कैप कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, उसमें अगर 10 लार्ज कैप स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे 90% चांसेस है कि आपका पैसा कुछ भी ना हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा लार्ज कैप में, आपका पैसा 10 साल में डबल होगा। ठीक है, बट मैं आपको जो ट्रिक्स देने वाला हूँ इस वीडियो में, उसमें क्या है, अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, अगर आपके पास 10,000 का भी कैपिटल है तो कैपिटल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 50% कैपिटल आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा रिकमेंड यही रहेगा आप एटलीस्ट अपना कैपिटल का 50% आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करिए। अब देखिए, रिस्क हर जगह होता है, लेकिन रिस्क को किस तरह आप मिनिमाइज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उसी में ही खेल होते हैं सारे। ठीक है, तो आपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए, ठीक है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कहाँ पे, स्मॉल कैप। और एक बात, ओनली इन्वेस्टमेंट कैन गिव यू फिनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही आपको फिनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं। देखिए, डेली ट्रेडिंग करते हैं तो आपको डेली स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, बट एक बार आप किसी शेयर्स को बाय कर लिया, मान के चलिए आप 20 रुपये में कुछ स्टॉक बाय कर लिया, वो फिर 200 चला गया, 500 चला गया, वो आपको बैठ के कुछ नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप जाता रहता है 2-3 साल में, फिर आपको वो प्रॉफिट आप बेचते हो एक दिन। ठीक है, आप पतंजलि का उदाहरण ले लो, वो 20 रुपये में अभी 1200 ट्रेड कर रहे हैं 3 साल के अंदर। तो ऐसे होते हैं, बस आपको पिक करना पड़ेगा भाई, और कुछ नहीं है। जो आप डेली ट्रेडिंग करके उतना नहीं कमा सकते जितना आपको स्मॉल कैप शेयर्स आपको रिटर्न लेके देगा, तो इसलिए आपको वो चीज़ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। इसके ऊपर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेडिंग में आपको नुकसान आ सकता है, छोटा मोटा नुकसान आ सकता है, लेकिन आप उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपका कैपिटल लो है। तो लो कैपिटल में आप उसको फाइट नहीं कर सकते मार्केट में, लेकिन स्मॉल कैप में अगर आप 10 स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपका 2-3 स्टॉक डूब जाए, लेकिन वो जो 5-6 स्टॉक आपको उतना ज़्यादा रिटर्न बना के देगा ना कि आप सोच नहीं सकते आप कितना ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। तो उसमें और एक चीज़ क्या है, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो एंड गुड रिटर्न इन शॉर्ट टाइम। एक तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो गया स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने के बाद, और दूसरा क्या हुआ, आपको एक अच्छा रिटर्न मिल गया। ठीक है, 3-4 साल में एक आपको अच्छा रिटर्न मिलने का चांसेस होता है, उसके साथ साथ पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई होगा। अब खराब से खराब सिनेरियो में आपके साथ क्या हो सकता है, पूरा कैपिटल स्मॉल कैप का डूब गया मैं मान के चलता हूँ, फिर भी तो आपका डाइवर्सिफाई है ना, ये डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, 50% पैसा तो आपने लार्ज कैप में लगाया हुआ है, तो लार्ज कैप एटलीस्ट तो डबल हो जाएगा, तो आपका 1 लाख हो जाएगा, एंड स्मॉल कैप शेयर्स में 50% डूब जाएगा तो पूरा पैसा तो नहीं डूबेगा ना आपका, ज़्यादा से ज़्यादा 50% डूब सकते हैं उसमें भी। तो 20 अगर 1 लाख के कैपिटल में अगर आप 50,000 लार्ज कैप में लगाते हो और 50,000 अगर आप स्मॉल कैप में लगाते हो, उसमें भी तो आपको एटलीस्ट घूम फिर के 25,000-30,000 तो आपको बच ही जाता है ना। तो खोने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए आपके पास 20-30 times भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका 10,000 का कैपिटल 2 लाख बन जाए, 3 लाख बन जाए, आपका 1 लाख का कैपिटल 20 लाख बन जाए आपके, और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक, तो स्मॉल कैप स्टॉक्स किसको कहते हैं हम, ठीक है, तो स्मॉल कैप स्टॉक्स किसको कहते हैं,
एक्चुअली स्मॉल कैप कंपनीज व्हिच आर नाइदर लार्ज कैप नॉर मिड कैप। इसका मतलब क्या है कि स्मॉल कैप वो स्टॉक है जो ना तो लार्ज कैप है ना तो मिड कैप है, ठीक है, ना तो लार्ज कैप है ना तो मिड कैप है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़, ठीक है, स्मॉल कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन बिलो 5000 करोड़, यानी कंपनी का जो वेलो, कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो 5000 करोड़ से नीचे होगा, ठीक है, तो उसको हम स्मॉल कैप शेयर्स कहेंगे, ठीक है। तो नंबर वन क्या वो लार्ज कैप भी नहीं है, वो मिड कैप भी नहीं है। दूसरा क्या है, 5000 करोड़ के अंडर मतलब नीचे है मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसके बाद आपको देखना है फिनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है कंपनी का। सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन क्राइटेरिया व्हिच इन्वेस्टर्स शुड लुक एट बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी। तो ये एक क्राइटेरिया होता है जो एक इन्वेस्टर को अपने स्मॉल कैप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसको देखना चाहिए। जनरली स्मॉल कैप कंपनीज डो नॉट हैव एज मच सेल्स। तो जनरली क्या होता है, आपको भी पता है स्मॉल कैप जो कंपनी होता है उनकी सेल्स उतना अच्छा नहीं होता है, बहुत कम होता है जितना लार्ज कैप और मिड कैप में होता है, ठीक है, उतना स्मॉल कैप के पास सेल्स नहीं है। बट इफ द कंपनीज बैलेंस शीट इज स्टेबल विथ डिसेंट कैश फ्लोज एंड लो डेप्थ, दिस कंपनीज कैन सर्वाइव एंड डो बेटर अगेंस्ट देयर पीयर्स। तो इसमें क्या गया, क्या अगर कंपनी का बैलेंस शीट स्टेबल है, उसमें कैश फ्लो ठीक ठाक है, कैश फ्लो का मतलब होता है कंपनी में कितना पैसा इन हो रहा है, कितना पैसा आउट हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, कितना वो खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को बैलेंस कैश फ्लो कहते हैं। और कंपनी के पास कितना डेप्थ है, मतलब कंपनी कितना लोन उठाया हुआ है, तो लोन बहुत कम होना चाहिए। आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी में क्या होना चाहिए, लोन बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, और कंपनी में इन जो हो रहा है ना, इनकम जो हो रहा है और पैसा कितना जा रहा है, तो जाने से हमेशा आना ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये सारे चीज़ कंपनी का ठीक है तो कंपनी आगे बहुत दूर तक जा सकते हैं। सो नो मैटर व्हाट द साइज ऑफ द बिजनेस इज, तो कंपनी अब कितना बड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन फिनेंशियली स्टेबल कंपनीज, ठीक है, तो आपको फिनेंशियली स्टेबल कंपनी ही चुनना चाहिए विथ हाई पोटेंशियल टू ग्रो इन फ्यूचर, जिसको हाई पोटेंशियल है फ्यूचर में ग्रो करने का। तो ऑब्वियसली बात है, जिस कंपनी के पास लोन कम होगा और कंपनी में पैसा इन ज़्यादा हो रहा है, आउट कम हो रहा है, ठीक है, कंपनी का ये दोनों चीज़ स्टेबल है, बैलेंस शीट स्टेबल है, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जिसमें आपको ध्यान देना चाहिए वो है टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ, ठीक है। टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ क्या है अभी देखते हैं। तो कंपनी का एक डिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए लास्ट 5 ईयर्स का, तो 5 ईयर्स में कंपनी का अच्छा रिटर्न होना चाहिए, ठीक है, अब उतना अच्छा भी नहीं चाहिए, एक डिसेंट रिटर्न हुआ तो अच्छा है। फॉर इंस्टेंस चेक द कंपनीज लास्ट 5 ईयर्स सेल्स एंड प्रॉफिट्स CAGR ग्रोथ एंड कंपेयर द सेम विथ इट्स पीयर्स। तो लास्ट 5 साल में कंपनी में जो चीज़ आपको देखना चाहिए है टॉप लाइन एंड टॉप बॉटम लाइन ग्रोथ में, कि इस ये कंपनी में उसका जो पीयर कंपनी है, ठीक है, उसमें सेल्स कितना हो रहा है, उसमें से प्रॉफिट कितना हो रहा है, एंड CAGR ग्रोथ। फॉर इंस्टेंस चेक द कंपनीज लास्ट 5 ईयर सेल्स, मतलब लास्ट 5 ईयर्स में क्या सेल्स हुए वो आपको देखना चाहिए, एंड प्रॉफिट CAGR। अब CAGR यहाँ पे एक नया नाम आया है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, तो CAGR का मतलब होता है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। तो सब लोग ओके हैं इसमें। तो प्रॉफिट CAGR जो कंपनी का हर साल में प्रॉफिट ग्रोथ रेट कितना हो रहा है, ठीक है, वो आपको देखना है। तो दिस विल गिव यू एन आइडिया एज टू हाउ दैट पर्टिकुलर कंपनी हैज़ परफॉर्म्ड कंपेयर टू इट्स पीयर्स। तो ये इन दो तीन चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कंपनी का ग्रोथ किस तरह से चल रहा है, कंपनी किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं अपने जो पीयर्स कंपनी है उसके हिसाब से। ए कंपनी व्हिच ग्रोज इट्स सेल्स एंड प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली इवेंचुअली प्रोवाइड्स बेटर रिटर्न्स टू इन्वेस्टर। तो सिंपल सा वही बात है, अगर ये कंपनी ये 5 साल से अच्छा कर रहा है, डेप्थ नहीं है कंपनी के पास ज़्यादा, और कंपनी का CAGR भी ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वो कंपनी इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दिला सकता है आगे चल के। देन आपको नज़र रखना चाहिए मार्केट साइज़ एंड पोजिशनिंग में, ठीक है, अभी मार्केट साइज़ एंड पोजिशनिंग क्या है। जनरली स्मॉल कैप कंपनीज आर सिंगल प्रोडक्ट और सिंगल सर्विस लाइन कंपनीज, तो नॉर्मली
स्मॉल कैप कंपनीज वही होते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, या फिर सिंगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस ए कंपनी इज ऑपरेटिंग इन, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो जो कंपनी को आपने सिलेक्ट किया, वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट का, ठीक है, उस प्रोडक्ट का टोटल मार्केट साइज़ कितना है, ठीक है, और टोटल जो मार्केट साइज़ होता है, उस मार्केट साइज़ में से वो पहले आपको पता लगाना होगा टोटल मार्केट साइज़ कितना है, एंड उसमें से उस कंपनी का मार्केट साइज़ कितना है, ठीक है। अब आप एग्जांपल के तौर पे एक लेते हैं, मान के चलते, हाँ मान के चलते हैं कार, ठीक है, कार इंडस्ट्री, तो जो कार बनाते हैं, जो तो कार का मान के चलते हैं वो 100 बिलियन डॉलर्स मार्केट साइज़ है इंडिया में, जस्ट ए एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ये कुछ नहीं है। तो 100 बिलियन डॉलर्स मार्केट साइज़ है कार इंडस्ट्री में, और उसमें से मारुति सुजुकी जो है उनका मार्केट साइज़ है 30 बिलियन डॉलर्स, ओके। तो मारुति सुजुकी के पास 30 बिलियन डॉलर्स है, तो इसका मतलब क्या है, 30% मार्केट साइज सिर्फ मारुति सुजुकी के पास है। तो इस तरह से आपको देखना चाहिए, जो प्रोडक्ट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट का उस कंपनी के पास कितना मार्केट साइज़ है टोटल मार्केट साइज से। तो दिस विल गिव यू अ ब्रॉड आउटलुक ऑन द पोजिशनिंग ऑफ द कंपनी एंड द मार्केट साइज ऑफ इट्स बिजनेस। तो ये आपको एक ब्रॉड आउटलुक दे देगा वो उस कंपनी का पोजिशन का एंड टोटल बिजनेस मार्केट साइज का। देन आ जाता है आपका मैनेजमेंट क्वालिटी एंड कमेंट्री। तो ये सारे चीज़ आपने देख लिया, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे क्या मैनेजमेंट क्वालिटी एंड कमेंट्री में, जो एक कंपनी का मेन होता है मैनेजमेंट बॉडी जो सारे काम करते हैं। तो मैनेजमेंट ही अगर ठीक नहीं रहेगा तो कंपनी का क्या। तो अभी इसमें देख लेते हैं, इन एवरी कंपनी इट्स मैनेजमेंट प्लेस ए क्रूशियल रोल, इन एवरी कंपनी इट्स मैनेजमेंट प्लेस ए क्रूशियल रोल इन डिसाइडिंग द कंपनीज फ्यूचर। ऑब्वियसली बात है भाई, हर एक कंपनी का मैनेजमेंट ही सब कुछ होता है जो कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करता है। बिफोर इन्वेस्टिंग इन ए स्मॉल कैप कंपनी इट इज़ बेटर टू स्क्रूटिनाइज इट्स मैनेजमेंट हिस्ट्री एंड एनी पॉसिबल लैप्स डन बाई देम इन द पास्ट। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए, कोई भी स्मॉल कैप कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस कंपनी में जो मैनेजमेंट बॉडी है उनका पूरा छानबीन करिए, उनका पास्ट रिकॉर्ड को आप देखिए, लास्ट 5-10 साल का रिकॉर्ड देखिए या फिर 5 साल का रिकॉर्ड देखिए, वो जो बॉडी में कौन कौन है, उनके ऊपर कोई केसेस है क्या, या फिर वो पहले कौन से कंपनी में काम करते थे, वहाँ पे क्या काम किया, रिकॉर्ड क्या है उनका, ठीक है, अच्छा रिकॉर्ड है या बुरा रिकॉर्ड। तो हमने क्या क्या देखा अभी, तो हमने क्या क्या सीखा, स्मॉल कैप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा, जो कंपनी के पास क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है, देन टॉप लाइन एंड टॉप लाइन ग्रोथ, जो CAGR ग्रोथ क्या है कंपनी का, उसके बाद मार्केट साइज़ यानी कंपनी का मार्केट टोटल जो प्रोडक्ट बना रहा है, कंपनी जो प्रोडक्ट बना रहा है उसका टोटल मार्केट साइज़ कितना है, कंपनी के पास कितना ज़्यादा मार्केट साइज़ है, उसके बाद मैनेजमेंट क्वालिटी कैसा है, मैनेजमेंट में कौन कौन है, उन लोगों का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, अभी क्या कर रहा है, उनका फ्यूचर गोल क्या है, तो हर एक चीज़ हम देखेंगे, उसके बाद ही हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं स्मॉल कैप शेयर्स का, लाइक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, नेस्को लिमिटेड, थायरो केयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, हेल्थ केयर में आते हैं डेल्टा कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, तो ये बस एग्जाम्पल के लिए लिया है हमने, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन जो इस वीडियो को देखे हैं, आशा करते हैं आपको आगे चल के एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको और कौन सा वीडियो हम प्रोवाइड करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।